हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉल करने में कितना खर्चा आता है। यदि हम 2000 वाट का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो उसमें कितना खर्चा आता है और क्या क्या एसेसरीज लगती है, जैसे कि सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, बैटरीज और कॉपर वायर और GI का स्ट्रक्चर, इनमें कितना खर्च होता है और इनकी क्या क्या प्राइस होती है, इसके बारे में हम जानेंगे और इनकी एवरेज प्राइस के बारे में जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम जो होता है वह हमें अलग अलग प्राइस में अवेलेबल होता है, जैसे कि क्वालिटी के अनुसार भी अलग अलग प्राइस होती है। सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी की और कंपनी के अनुसार भी अलग अलग प्राइस होती है। तो दोस्तों, क्वालिटी के अनुसार देखें तो सोलर पैनल अलग अलग टाइप के, अलग अलग क्वालिटी के अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पॉली क्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल, मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल अवेलेबल होता है। तो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल की प्राइस अलग होती है और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की प्राइस अलग होती है, क्योंकि इन दोनों सोलर पैनल की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। तो मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल थोड़ा महंगा होता है और पॉली क्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल थोड़ा कम रेट में अवेलेबल होता है। और जैसे कि पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल की भी अलग अलग प्राइस होती है कंपनी के अनुसार। किसी कंपनी में पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल की कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी तो किसी में थोड़ी कम होगी। तो इसी तरह से कंपनी के अनुसार भी प्राइस में डिफरेंस होता है और क्वालिटी के अनुसार भी प्राइस में डिफरेंस होता है। जैसे कि सोलर इन्वर्टर जो होता है वह भी दो टाइप की टेक्नोलॉजी में आता है, MPPT टाइप सोलर इन्वर्टर और PWM सोलर इन्वर्टर। और एक इनमें नॉर्मल इन्वर्टर भी आता है जिसके साथ हम चार्ज कंट्रोलर लगा के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह बैटरी में भी देखें तो बैटरी में भी अलग अलग प्राइस में बैटरी अवेलेबल होती है। सोलर बैटरी की प्राइस अलग होती है, नॉर्मल बैटरी की प्राइस अलग होती है। और नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी भी कंपनी के अनुसार अलग अलग प्राइस होती है। तो आज के वीडियो में हम 2 किलोवाट सोलर पैनल की मैक्सिमम प्राइस, मीडियम प्राइस और मिनिमम प्राइस, इन तीनों प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। मैक्सिमम प्राइस में हमें कितनी प्राइस में 2 किलोवाट सोलर पैनल अवेलेबल हो जाएगा, मीडियम प्राइस में हमें कितनी प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा और मिनिमम प्राइस में भी हमें 2 किलोवाट सोलर पैनल कितनी प्राइस में, कितने रुपये में अवेलेबल हो जाएगा, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, पहले हम सोलर पैनल की बात करते हैं। तो सोलर पैनल अलग अलग क्वालिटी में और अलग अलग कंपनी के अवेलेबल होते हैं। तो हम इसमें मैक्सिमम प्राइस में मान के चलते हैं मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल, जिसकी प्राइस होती है 1 किलोवाट सोलर पैनल की 30,000 रुपये, लगभग 2,000 प्लस माइनस भी हो सकती है कंपनी के अनुसार। तो हम इसमें एवरेज प्राइस 1 किलोवाट सोलर पैनल की 30,000 रुपये, तो उसमें 2 किलोवाट सोलर पैनल की प्राइस हो जाएगी 60,000 रुपये, जो कि मैक्सिमम प्राइस है, मोनोक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल है। तो उसके बाद बात करते हैं हम सोलर इन्वर्टर की। तो सोलर इन्वर्टर भी हमें अलग अलग टाइप के और अलग अलग प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें कि दो टाइप की टेक्नोलॉजी में आते हैं सोलर इन्वर्टर। एक आता है MPPT टाइप की टेक्नोलॉजी वाला सोलर इन्वर्टर और दूसरा आता है PWM टाइप का सोलर इन्वर्टर। तो हम इसमें MPPT टाइप का सोलर इन्वर्टर, जो कि बेस्ट क्वालिटी का सोलर इन्वर्टर, जो कि 2 किलोवाट सोलर पैनल के लिए में लगभग 30,000 से 35,000 में अवेलेबल हो जाएगा और इससे ऊपर की प्राइस में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन 30,000 से 35,000 में भी बेस्ट क्वालिटी का सोलर पैनल अवेलेबल हो जाएगा 2 किलोवाट सोलर पैनल के लिए। और उसके बाद बात करते हैं हम बैटरी की। तो बैटरी सोलर इन्वर्टर के साथ हमें सोलर बैटरी ही लगानी बेस्ट होती है। और यदि आप मैक्सिमम प्राइस में यदि सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं तो उसमें सोलर बैटरी, चार बैटरी लगाएं 150 एम्पियर आवर की, जो कि एक बैटरी की प्राइस होती है, सोलर बैटरी की प्राइस 15,000 से 16,000 रुपये और किसी कंपनी की यह 1,000 प्लस माइनस में भी मिल जाती है। तो यह 150 एम्पियर आवर की सोलर बैटरी आपको 150 एम्पियर आवर में 15,000 में अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें यदि आप 2 किलोवाट सोलर पैनल के साथ चार बैटरी कनेक्ट करना चाहते हैं तो चार बैटरी की प्राइस हो जाएगी 60,000 रुपये के लगभग। तो इसमें मैक्सिमम प्राइस में हम सोलर बैटरी की बात करते हैं तो सोलर बैटरी की प्राइस हो गई 60,000 रुपये। और उसके बाद आता है AC DC वायर, कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स, लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग। इनमें भी क्वालिटी और साइज़ के अनुसार बात करें तो इसकी प्राइस हो जाएगी लगभग 15,000 रुपये 2 किलोवाट सोलर पैनल के लिए। और उसके बाद बात करते हैं GI स्ट्रक्चर। GI स्ट्रक्चर यदि आप हेवी क्वालिटी का लेना चाहते हैं तो GI स्ट्रक्चर 2 किलोवाट सोलर पैनल के लिए लगभग 15,000 में अवेलेबल हो जाएगा। और
उसके बाद उसमें आता है इंस्टॉलेशन का खर्च। इंस्टॉलेशन का खर्च तीनों प्राइस में सेम ही रहेगा, जो कि रहेगा लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये या फिर 3 से 3,500 रुपये। तो हम इसमें एवरेज प्राइस जो कि लगभग मानते हैं 3,000 रुपये। तो इंस्टॉलेशन आपका 2 किलोवाट का सोलर पैनल 3,000 में इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि कोई इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन ना के इंस्टॉल कर देगा इसे। तो इस तरह से 2 किलोवाट का सोलर पैनल मैक्सिमम प्राइस में आपको लगभग 1,80,000 से लगाकर 1,90,000 या फिर 2,00,000 तक अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि सोलर पैनल मोनोक्रिस्टलाइन टाइप के हैं, बेस्ट क्वालिटी के। सोलर इन्वर्टर भी अच्छी क्वालिटी का है। और बैटरी की बात करें तो इसमें भी 4 बैटरी अवेलेबल होगी। तो इस तरह से 2 किलोवाट सोलर पैनल की मैक्सिमम प्राइस जो होगी वह 1,80,000 से लगाकर लगभग 2,00,000 तक के बीच में अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं मीडियम प्राइस में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम हमें कितनी प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा, कितने रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की प्राइस होती है 1 किलोवाट सोलर पैनल की प्राइस 25,000 रुपये लगभग। तो इसमें 2 किलोवाट सोलर पैनल की प्राइस होगी लगभग 50,000 रुपये। तो इसमें पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल 2 किलोवाट का सोलर पैनल आपको 50,000 में अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की, जो कि सोलर इन्वर्टर MPP टाइप चार्ज कंट्रोलर में 20 से 25,000 में अवेलेबल हो जाएगा मीडियम प्राइस में। तो हम इसमें मान लेते हैं 25,000 रुपये, जो कि मीडियम टाइप का सोलर इन्वर्टर है। तो मीडियम प्राइस में 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको 25,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी की। तो मीडियम प्राइस में यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं और आपका घर का लोड भी कम है, तो उसमें आप 4 बैटरी की जगह 2 बैटरी लगा सकते हैं, जो कि आप सोलर बैटरी ही लगवाएँ तो बेस्ट रहेगा। तो 2 बैटरी की प्राइस हो जाएगी 30,000 के लगभग। और उसके बाद बात करते हैं हम AC-DC वायर कनेक्टर, जंक्शन बॉक्स और लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग, क्योंकि यह मीडियम प्राइस में 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए अवेलेबल हो जाएगा लगभग 12,000 में, 12 से 13,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद GI स्ट्रक्चर भी 12 से 13,000 में अवेलेबल हो जाएगा मीडियम प्राइस में। और इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो वही रहेगी 3,000 रुपये। तो यह 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको मीडियम प्राइस में लगभग 1,30,000 से 1,35,000 में अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों हम 2 किलोवाट सोलर पैनल की मिनिमम प्राइस के बारे में यदि बात करें, तो मिनिमम प्राइस में हमें पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल ही कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्राइस में अवेलेबल होते हैं। तो पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप का सोलर पैनल लगभग 20,000 में भी अवेलेबल हो जाएगा मिनिमम प्राइस में। तो जिसमें 2 किलोवाट सोलर पैनल की प्राइस हो जाएगी मिनिमम प्राइस 40,000 रुपये। और उसके बाद बात करते हैं सोलर इन्वर्टर के बारे में। तो सोलर इन्वर्टर मिनिमम प्राइस में हमें 15 से 20,000 में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें सोलर इन्वर्टर मिनिमम प्राइस में 15,000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद आता है बैटरी। तो इसमें मिनिमम प्राइस में यदि आप सोलर बैटरी की जगह नॉर्मल बैटरी भी लगा सकते हैं, लेकिन सोलर बैटरी लगाएंगे तो और भी बेस्ट होगा, लेकिन यदि आपका बजट कम है तो आप इसमें नॉर्मल बैटरी भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम 2 बैटरी की प्राइस मान के चलते हैं लगभग 25,000 रुपये, जो कि एवरेज प्राइस है। और उसके बाद आता है AC-DC वायर कनेक्टर और लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग। इसमें भी यदि आप लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग नहीं लगाएंगे तो भी इसमें प्राइस कम हो जाएगी, 5 से 6,000 में अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आप लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग भी साथ में लगाना चाहते हो तो इसमें मिनिमम प्राइस में लगभग 10,000 रुपये में यह सभी अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद आता है GI स्ट्रक्चर। GI स्ट्रक्चर की बात करें तो मिनिमम प्राइस में GI स्ट्रक्चर 2 किलोवाट सोलर पैनल के लिए 8 से 10,000 में अवेलेबल हो जाएगा। तो हम इसमें 10,000 रुपये मान लेते हैं मिनिमम प्राइस। तो इसमें आपको मिनिमम प्राइस में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम 90,000 से लगाकर 1,00,000 तक की प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम अलग अलग प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितनी प्राइस में सोलर सिस्टम खरीदना चाहते हैं, या फिर आप अपने बजट के अनुसार कितनी भी प्राइस में लगभग 90,000 से लगाकर 2,00,000 तक के बीच में आप खरीद सकते हैं। तो इस तरह से 2 किलोवाट सोलर पैनल की प्राइस जो होती है वह लगभग 90,000 से लगाकर 2,00,000 तक अवेलेबल होती है। तो दोस्तों यह ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की प्राइस है। और यदि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम की प्राइस जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।